जी हैंडल छोड़ के चलाते हैं। चलाइए चलाइए, थोड़ा थोड़ा दिखाइए हम लोग को। अरे आप तो हीरो बन गए, हमारा हीरो है ना। आगे आइए आगे आइए, ले लद्दाख चलेंगे ना हमारे साथ? हमारे साथ? हाँ हाँ। नहीं क्यों? नहीं यार सर, मेरे कुछ खर्चा ना बच्चे तो हमारे धीरू भाई आज प्लेन बना के उड़ा रहे हैं। उड़े नहीं उड़े वो अलग बात है। इस आदमी से देखा आप समझ गए, इसको आता जाता नहीं, इसको बना के सीधे लद्दाख जाएंगे। हाँ ये लद्दाख जाने के लिए अपना पर्सनल प्राइवेट जेट बना रहे हैं। यहाँ बतरा में आइए इस बड़े। सभी को जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं इस समय पे हूँ मथुरा वृंदावन में, और यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना राइड मथुरा टू दिल्ली का, ठीक है। और गाजीपुर टू लेह लद्दाख का जो आप सीरीज को प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये हमारी यहाँ पे साइकिल लग चुकी है, और मैं अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 10:30, और अभी से इतना तेज धूप निकल चुका है ना, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा धूप निकल चुका है। और मैं अभी जस्ट 1 घंटे पहले ही मैं रोड पर आया हूँ, क्योंकि भैया लोग थे जो उन्होंने हमारे अगले वीडियो में आपने देखा होगा कि होस्ट किए थे, तो थोड़ा सा लेट से जगे थे वो लोग, तो हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। आपको पता है कि जो चीज़ जो लोग आपको होस्ट करते हैं थोड़ा सा उनसे मिल के जाना अच्छा होता है ना, आप ऐसे ही उठाए साइकिल चले जाएँ तो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर देख रहे हैं हमारी साइकिल में कुछ नया अपडेट हुआ जो कि आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, ठीक है। मैं 2 रिफ्लेक्टर लगाए हैं, ये तो पहले से लगा था जो कि नहीं दिख रहा था, एक दो भैया ने बोला कि भैया पीछे से नहीं दिखाई दे रहा था, ये एक और लगा दिया, और आगे से दोस्तों बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। आगे वाला तो और अच्छे से मैं लगा दिया हूँ, ये देख रहे हैं आगे वाला और लगा दिया। ये मांगा था जो PWD जो रोड ये बनाते हैं भैया लोग, उनका टेप मांगा था, भैया थोड़ा सा टेप दे दीजिए। उनके पास भी नहीं था तो अपने बाइक से उखाड़ के, सॉरी ट्रक से उखाड़ के दे देता हूँ। हम इसको पंचिंग करते हैं, ठीक है। पंचिंग करने के बाद ये बढ़िया होगा, और इसमें बढ़िया भी रहेगा कि हमारा सामने दिखाई देगा। और हमारी हो चुकी है भैया राइड स्टार्ट। थोड़ा दिखाइए हम लोग को। अरे आप तो हीरो बन गए, हमारा हीरो है ना। आगे आइए आगे आइए आगे आइए, कहाँ जा रहे हैं? यहीं तक जा रहा हूँ, ये पुल तक। अरे यार हम जाने लद्दाख चलेंगे, हमारे साथ। कहाँ जाना है आपको? लद्दाख। लद्दाख? हाँ ले लद्दाख चलेंगे ना हमारे साथ? हमारे साथ? हाँ हाँ नहीं क्यों? अभी अभी हमारा मोबाइल यहाँ से बंदा छीन के और जस्ट अभी नीचे गिरा था, अभी यहीं हम अपना मोबाइल का सॉरी अपना वीडियो का टैग डाल रहा था, और अभी जंदा यहीं पर छीना और इधर से आया, इधर से बहुत तेज के हीरो होंडा स्प्लेंडर से आया, बिना नंबर का था गाड़ी, और यहीं पर अभी जस्ट गिर गया मोबाइल हमारा, छीना ऐसे ऐसे छीना, तुरंत मोबाइल नीचे गिर गया और वो बंदा आगे निकल गया। बताओ ऐसे ऐसे लोग यार काफ़ी बुरा लगता है, ऐसे न बता रहा हूँ मेरे साथ ऐसा घटना घटा। मैं 1.5 साल के अंदर में 1.5 साल हो गया मुझे ट्रेवल करते हुए, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ। यदि ये ट्रक देख रहे हैं ना, यही ट्रक के सामने मैं बस यहीं पर थोड़ा सा छा, इधर साइड में पेड़ वगैरह नहीं है, इधर छा में आकर मैं वीडियो में टैग डाल रहा था, और जस्ट अभी एक बंदा आया, 2 लोग गाड़ी से थे सुपर स्प्लेंडर से, और उन्होंने हमारी मोबाइल को छीना, और मोबाइल में थोड़ा सा ग्लास फूट चुका है, और अभी मोबाइल नीचे इतने इतना तेज साइकिल गाड़ी चला के ले गया पूरा, तो मैं ऐसे मोबाइल छीन के उसके हाथों से सरक के नीचे गिर गया दोस्तों अभी मेरा मोबाइल। बताओ यार ऐसा मथुरा से 20 किलोमीटर आगे आया हूँ, और ऐसा सीन हमारे साथ किया गया। बंदा पीछे से आया, मुझे पता भी नहीं चला, अचानक ऐसे आया, पूरा मोबाइल ऐसे हाथों से पूरा ऐसे पकड़ा, अचानक से छूट गया उसके हाथों से, आज मेरा मोबाइल चला जाता है। भगवान के लाख लाख शुक्र है कि हमारा मोबाइल बच गया यार, मतलब मैं कैसे बहुत यार मुश्किल मोबाइल खरीदना बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत ही मेहनत से ये मोबाइल आया। वो भी चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अब इधर नहीं रुकेंगे, अब रुकेंगे सीधे दिल्ली। जब हम लोग जहाँ से हैं वहाँ से दिल्ली केवल 108 किलोमीटर दूर है, देख सकते हैं यहाँ पर, और ये अपना रास्ता, बहुत तगड़ा धूप हुआ है लेकिन अभी भी अपना सफ़र चालू है, क्योंकि आपको पता है आज हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, मोबाइल छीन लिए थे लेकिन छूट गया, गिर गया तो बच गया हमारा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ से बाहर निकलने के लिए किसी भी हालत से, ऐसा होगा नहीं मुझे पता है, दोबारा नहीं होगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी भी तरह से यहाँ से निकल जाऊँ, ठीक है। कब तक मैं पार करता हूँ यार, है कि मोबाइल रखते हैं अंदर, क्योंकि मोबाइल लेके वीडियो शूट करते हैं हाईवे पर तो मुझे डर लगता है, इसीलिए मैं इस वाले लाइन पे चलता हूँ हरदम, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हाल हो जाएगा, इसीलिए साइड होकर चलाता हूँ, क्योंकि मोबाइल से मैं शूट करता हूँ, गोपरों तो है नहीं अपने पास, तो एक हाथ से मोबाइल चलाना एक हाथ से साइकिल चलाना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं हरदम हूँ। देखिए बाबा जी आ रहे हैं भैया, अरे बाप
बाबा जी तो एकदम छा गए थे गुरु, तो इसीलिए साइड में हरदम रहते हैं भैया, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो अभी हम लोग हरियाणा में आ चुके हैं, देख सकते हैं हरियाणा में आपका स्वागत है। और ये NH-19 से ठीक है, अभी दिल्ली 93 किलोमीटर दूर है। तो अभी रात के बज रहे हैं 8 और मैं आ गया हूँ, ठीक है, सतनाम वाहेगुरु ट्रक ढाबा के मैं आ चुका हूँ। ये ढाबा है एक्चुअली, और ये ढाबा आपको पड़ता है हरियाणा में। और अभी मैं खाना भी ऑर्डर कर दिया हूँ, जो कि विदाउट मनी। भैया साहब बोला कि मैं ट्रेवलर हूँ और बिना पैसे की यात्रा करता हूँ, तो आप खाना खिलाएंगे। भैया बोला यार खाना पैसे क्या नाम दिए, भैया तुम बोलो बस खाना क्या चाहिए, हमने बताया उनको। तो वो चीज़ हमारा बन के आ चुका है, अभी मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमारा खाना देख सकते हैं, ये आ चुका है, और ये सलाद चटनी, और सामने हमारी साइकिल खड़ा हुआ है, ठीक है। और ये सतनाम गुरुदेव जो ढाबा ट्रक ढाबा है, ये एड्रेस हमें पता नहीं है प्रॉपर रूप से, तो भैया आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि ये कौन सा ढाबा है, ठीक, कहाँ पे ढाबा है। सॉरी, तो देख रहे हैं गाइस इनका ही ढाबा है। और आपका नाम क्या है भैया, और ये किस लोकेशन पर आपका ढाबा है? ये बंचारी गाँव। और ये आता हरियाणा में ना? हरियाणा में आता है। और ये NH-19 के जस्ट बगल में, और NH-44 दोनों एक ही है ना, और स्पेशली ये ट्रक वालों के लिए है ना, ट्रक फैमिली दोनों के लिए। जी दोनों। और सबसे बेस्ट आपके यहाँ क्या चीज़ है? बेस्ट बढ़िया पनीर है, मटर पनीर है, चिल्ली पनीर है, पनीर पसंदा पनीर, टकाटक पनीर, गाजर पनीर। अच्छा, सब कुछ तो बेस्ट है। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा मिलकर, और आपने हमें ऑफर दिया था खाने के लिए, थैंक यू सो मच। इनका यही ढाबा है जो कि बहुत ही बड़ा, यहाँ पर सामने जो देख रहे हैं सारे ट्रक वाले, स्पेशली यहाँ पे ट्रक वाले ज़्यादा लोग आते हैं, ट्रक वाले खाना खाने के लिए। और अभी जो बता दें, जहाँ पे ट्रक वाले भाई साहब लोग खाते हैं, वहाँ पे एक फ़ायदा रहता है कि वो चीज़ खाना अच्छा मिलता है, क्योंकि उन लोग को हरदम चलना होता है लाइन में, तो वो लोग को पता है कि कहाँ पे खाना बढ़िया मिलता है। हम लोग जैसे बहुत सारे जो ट्रेवलर हैं, चाहे ऐसे लोग ज़्यादातर रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं ऐसे, बाकी जो बढ़िया खाना मिलेगा ना आपको पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणा के ढाबा पर अच्छा खाना मिलेगा। प्लस जहाँ पर ज़्यादातर ट्रक रुकती है, ट्रक वाले भाई साहब जहाँ पर खाना खाते हैं वो लोग बढ़िया खाना खाते हैं, क्योंकि उन लोग को हरदम चलना होता है लाइन, अनुभव होता है। तो आप लोग ज़्यादातर कोशिश करें जहाँ पे ज़्यादातर ट्रक रुका है वहाँ पे खाना खाने के लिए, हम भी ऐसे ही करते हैं और बढ़िया खाना मिलता है। हमारा आ गया तंदूरी रोटी, और अभी चलते हैं खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज के भैया लग गया भूख, देखने के बाद तो और लग जाता है कि नहीं। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, गले तो मिल, थैंक यू। अरे अभी हम सतगुरु जो ढाबा था हमारा, वहाँ से निकल के कुछ दूर आने के बाद थोड़ा सा रात भी हो गया था, और आज पता है कि हमारा मोबाइल छीनने की कोशिश हुआ था, तो वो सब देखते हुए मैं डिसाइड किया कि आज आगे ना बढ़ के थोड़ा सा इधर ही जाके रुक जाते हैं। तो भैया के पास आया मैं, और ये देख सकते हैं रतनाम ढाबा करके है, और यहाँ पर आके मैं आज रात को रुकूँगा, ठीक है, रुकूँगा क्या, रुक ही चुका हूँ। अभी मैं इनका वीडियो शूट कर रहा था कि पता चले कि मैं यहाँ पर रुका था, ठीक है। खाना अभी ना उस भी हो गया था, भैया ने खाना का भी ऑफर किया था, बट मैं खाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि इससे पहले ही जस्ट बगल में ही खाया था सतगुरु ढाबा पे, तो काफ़ी अच्छा खाना खिलाया था भैया ने, तो बहुत ही मज़ा आया। और उधर साइड में हमारा साइकिल पड़ा हुआ है, देख सकते हैं उधर साइड में साइकिल, और वहाँ पर अपना बेड लगाया है रहने के लिए। आइए बेड का भी दर्शन करा दें भैया, सब कुछ बढ़िया है। सब लोग पूछ रहे हैं ना कि आप कहाँ रुकते हैं, तो मैं अभी बताता हूँ। अभी यहाँ पर हमारा बेड लगा, यही बेड है भैया जिससे हम उड़ते हैं, इसे बिछा दिए, स्लीपिंग बैग भी है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, गर्मी पड़ रहा है ना, तो ये अपना ये लगा है कूलर हमारे लिए स्पेशल, बोलते हैं भैया मच्छर नहीं कटेगा। और वहाँ पर हमारा साइकिल पड़ा हुआ है, ठीक है, सेव ट्री और सेव वाटर के लेके, सेव ट्री सेव वाटर, तो कुछ बोलना चाहेंगे? उसके लिए जी वाटर के लिए जी वैसे ही कमी है, पूरी दुनिया में 2% 1.5% पीने योग्य पानी, अपना ये संदेश है जितना हो सके तो पानी बचाओ, आने वाली पीढ़ी आने वाला समय आएगा उनके लिए बेहतर होगा। और क्या लोग अभी जागरूक नहीं है, प्रकृति के खिलाफ ही लोग चल रहे हैं, तो प्रकृति है, प्रकृति से हमें, हमसे प्रकृति नहीं है, जी जी बिल्कुल, प्रकृति है तो हमें, ये संदेश है मेरा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अपना हो पानी की बचत करो, पानी यही नहीं पीने के लिए, पीने के लिए नहीं, अभी भी आपके दुकान पर सब देख रहे हैं आर ओ को पूरा लगा रखा है, पानी ही नहीं है, जैसे चेन्नई का हाँ। जो भूसतल है पानी का खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, ऐसे चलते रहेंगे तो अपना भी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा बिल्कुल, पीने के लिए तो वैसे पानी जी नहीं, कड़वा पानी ये भी खत्म हो जाएगा, तो सबको एक्टिव होना चाहिए, सबको संदेश सबसे लिए जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा लगा मिलके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। पहली राइड दोस्तों स्टार्ट करते हैं बोल के जय भोले की। और मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं नहाया नहीं हूँ यार, ऐसे ही चला आया, क्योंकि नहाने गया था तो बहुत ही ज़्यादा खारा पानी था भैया के ढाबे पे, तो हम नहीं नहाए क्योंकि हमको खारा पानी से नहाने पर पता नहीं क्या पूरा मतलब अजीब सा पिंपल जैसा लगता है, तो इसीलिए नहाए नहीं। बाकी हम आ गए और यहाँ से दिल्ली की दूरी मात्र 80 किलोमीटर समथिंग दूरी है अभी जहाँ पे हम हैं। तो गाइस अभी कुछ दूर आगे आने के बाद ये देख रहे हैं यहाँ पे हम अपना साइकिल ठड़ा किया है। और बात ये है कि अभी आप लोगों को पता होगा कि पिछले थोड़ा सा दिनों में हमारा बारिश से पूरा सामान भीग चुका था, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था। देखिए ये तिरपाल वाले भाई साहब ये ना क्या करते हैं कि जो ट्रक वगैरह होती है उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये चटाई वगैरह बनाते हैं ऊपर का ढाकने के लिए तिरपाल। आप रियल में बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, हाँ हाँ, पर्यावरण को बचाने की हेल्प कर रहे हो आप। हाँ हाँ, सहयोग भी अगर हम हो सके हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है जी। और ये हमारी तरफ से आपको कभी धूप लगे बारिश बरसात आए आप तिरपाल का यूज़ करो, और हम सभी से गुजारिश करते हैं कि आप जैसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो रेल के अंदर अच्छे भलाई के काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भैया। अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, काफ़ी खुशी मिला सुबह सुबह कि भैया ने हमें तिरपाल ऑफर किया, क्योंकि मेरा मुझे पता है कि लद्दाख में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। और एक और अच्छी बात है कि ये मोटा वाला है और चमड़ा इसमें नीचे लगा हुआ है ऊपर, और पूरा ये फुल्ली वाटर प्रूफ है, बढ़िया तिरपाल है, और मैं इससे अब मज़ा आएगा, अच्छा लगता है कोई कहते हैं है ना, वो भी फ्री में विदाउट मनी बात करने पर भैया मुझे इस चीज़ का आवश्यकता है। तो भैया ने बोला आप आओ और हम स्वागत करते हैं आपका। भैया कोलकाता का नाम है, काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि आप भी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, थैंक यू गाइस। अभी रात के देख सकते हैं 10 बजने वाले हैं, 9:30 हो रहा है, अभी हम लोग आ चुके हैं सिग्नेचर ब्रिज जो कि है ये दिल्ली में। आज दिल्ली का पूरा चक्कर मारा मैं, क्या बताऊं, थोड़ा सा कंफ्यूजन से मुझे अपने दोस्त के रूम पे जाना था इसीलिए आना पड़ा अंदर। तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसा सिग्नेचर ब्रिज है, अभी चलते हैं थोड़ा सा अंदर, ठीक है, क्योंकि अभी मैं रोड पे ही आके आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। मोबाइल पता नहीं, मोबाइल से अब हमारा डर लग चुका है, इसीलिए मैं लेके जा रहा हूँ अब उधर, ठीक है। गाइस आप सभी को गुड मॉर्निंग, और मैं आपको पता होगा कि कल रात को ही मैं आ चुका था दिल्ली में और आते आते थक गया था इसीलिए वीडियो नहीं शूट किया था। अभी जहाँ पे हूँ ये हमें बताया था कि मेरे साथ पहले के जो ट्रेवलर हैं आदि भाई उनके रूम पे आया हूँ, और देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पे लोकेशन है, काफ़ी प्लांट किए भैया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हैं ना। और शाम का समय है, शाम के बज रहे हैं 6 और हम लोग सारे लोग जो कि हमारे साथ ये सारे लोग हैं ये आदि भाई है और भैया भैया लोग हेलो तो कर दो कम से कम, हेलो भैया, हेलो हेलो सब लोग, इंटरव्यू लोग कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा भैया हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बता दूं कि ये जगह मुखर्जी नगर है और यहाँ पे सारे लोग आईएसपीसीएस सब तैयारी करते हैं, और उसमें से एक भैया भी है, कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी क्या करने जा रहे हैं? अभी मौज करने शाम को मैच भी देख रहे हैं भारत पाकिस्तान का। अच्छा, काफी मजा आ रहा है, आदित लिया है और ले चल रहे हैं शाम को घुमाने के लिए, है ना, कुछ कहेंगे? चलो आज घुमाते मुखर्जी नगर, आज मुखर्जी नगर का ये दर्शन कराएंगे हम। तो गाइस ये देख सकते हैं ये जितना सारे लोग दिखाई दे रहे हैं ये सब फ्यूचर आईएसपीसीएस हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर हब है फूडिंग का और ये सारा कोचिंग है, और यहाँ पे हम लोग भी आए हैं जो कि अभी देख रहे हैं, अभी भैया लोग आर्डर दे रहे हैं आने के लिए, ठीक है कुछ यहाँ पे। और ये जो बत्रा है पहले क्या था, सिनेमा हॉल था, लोग आते थे मूवी वगैरह देखने के लिए, अब इसमें भी कोचिंग खुल गया है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग सब लोग स्टूडेंट सब लोग आए हैं पढ़ने के लिए, है ना भैया? सब आईएएस वाले और इसमें से ये भी है, इसमें से आप भी हो, हम बन के जाएंगे और आप भी बनोगे। हाँ भैया ये तो यूट्यूबर है भाई, मेरे तो छोड़ दीजिए। क्या अभी तक क्या डिसाइड किया आपने? अपन खाएंगे वेज चाउमीन। अच्छा, राइस कौन से इसमें? हक्का सक्का पक्का। चौमिंग आपने डिसाइड कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है जाइए ऑर्डर दीजिए। अरे धीरू भाई आज प्लेन बना के उड़ा रहे हैं, उड़े नहीं उड़े वो अलग बात है, इस आदमी से देखा आप समझ गए, इसको आता था तो नहीं, इसको बना के सीधे लद्दाख जाएंगे। हाँ ये लद्दाख जाने के लिए अपना पर्सनल प्राइवेट जेट बना रहे हैं,
हाँ यहाँ बत्रा में आइए इस बनते बनते आइए बनते बनते ये देख रहे हो सुंदर प्लेयर बना रहा है ए तो किस्तों पे सुंदर सुंदर क्या इसमें सुंदर बनाएगा उड़ाना सुंदर बनाना ये देखो अब बन के रेडी हो चुका है हाँ इसमें घर पे चल रहा है क्यों फालतू पैदल क्या करोगे उड़ेगी हाँ पैरासूट से कूद जाएंगे लोग ओ भाई नहीं लेटेस्ट डिजाइन का चलो उड़ा जाओ उड़ा दो गर्दा उड़ा दो और क्या ओ भाई साहब कहाँ चला गया देख रहे फाइनली इसका मिशन सक्सेसफुल सही में उड़ा है उड़ाते हुए क्रैश हो गया क्रैश हो गया उल्टी दिशा में चला गया और दिशा में पलट गया यार उसकी जहाँ तक श्रीलंका पहुँच गया चीन इसके जैसे इंजीनियर होंगे तो उल्टी दिशा में जाएंगे पहुँच गए चीन सो गाइस हम लोग आ गए यहाँ पे चौमिंग और ये सारे लोग स्वाइप करने जा रहे हैं खा के पहले बताइए कैसा लग रहा है गाइस अभी चौमिंग आया था इतना जल्दी हम लोग खा भी हो गए इस पे मतलब खत्म भी हो गया अभी फिर से मंगाया गया फिर आ रहा है ठीक है अच्छा लगा जब दोबारा आ गया ये राइस है ये हक्का बक्का राइस है हक्का बक्का राइस भैया ने मंगाया था इसमें भी जल्दी से हावी हो जाइए इसको साइड में कीजिए ये ब्रोकली ज्यादा हरी कैसे होगी नहीं चौमिंग से बहुत अच्छा हक्का बक्का राइस नहीं तो मिक्स वेज आप